राखी सावंत ने की अपनी एविक्शंस पर चर्चा। मैं बिग बॉस से मुझे आउट कर दिया गया है, मैंने देश की जनता को इतना एंटरटेनमेंट दिया। वेल, बिग बॉस 15 के घर से हाल ही में एविक्ट हुई कंटेस्टेंट राखी सावंत को आज मुंबई में उनके जिम के बाहर किया गया था स्पॉट। क्या है राखी का कहना, आइए इस वीडियो में हम आपको बताएं। चुम्मियां करना, पपियां करना, चिपकना, अगर ये एंटरटेनमेंट है। मैं जब गई तो लोग कब्र में थे, मुर्दे बन के सो रहे थे। मैंने जाके, हाँ, मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की और बिग बॉस ने रातों रात मेरा एलिमिनेशन कर दिया। मुझे लगता है मेरे बिग बॉस को, वैसे उनका हुक्म मेरे सर आंखों पर है, बट बिग बॉस को किसी ने मेरी सुपारी दी थी। डेफिनेटली बिग बॉस का मत, मैं बिग बॉस से मुझे आउट कर दिया गया है। मैंने देश की जनता को इतना एंटरटेनमेंट दिया और अगर मैं ही नहीं जीती, इतना लुक्स करने के बाद मेरा इतना लुक्स मैंने दिया और इतना लुक्स करने के बाद अगर मैं नहीं जीती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी डिजर्विंग नहीं है फिनाले के लिए, कोई भी डिजर्विंग नहीं है ट्रॉफी जीतने के लिए। मैं बहुत सैड हूँ क्योंकि आप मेरा एक एक एपिसोड दिखाइए, निकाले वुड से और कलर से और दूसरों का निकाले। चुम्मियाँ करना, पपियाँ करना, चिपकना, अगर ये एंटरटेनमेंट है तो ये फिर चीप एंटरटेनमेंट है। और मैं जब गई तो लोग कब्र में थे, मुर्दे बन के सो रहे थे। मैंने जाके सबको जगाया है, मैंने देवों ने, हम लोगों ने। और क्या जिसकी वजह से आपको निकाला जाए, फिर सवाल उठना चाहिए बिग बॉस पे कि क्यों निकाला गया राखी को आखिर। हाँ, मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की और बिग बॉस ने रातों रात मेरा एलिमिनेशन कर दिया। मुझे लगता है मेरे बिग बॉस को, वैसे उनका हुक्म मेरे सर आंखों पर है, बट बिग बॉस को किसी ने मेरी सुपारी दी थी। मुझे ऐसा लगता है, अरे बिचोकले जाने दो, बिचुकले के बारे में मैं बात नहीं, मैं मेंटल लोगों के बारे में बात नहीं। ये तो पीएम बनना है। लेकिन ये बताइए कि और जो कंटेस्टेंट है, पीएम बनेगा जरूर, परमानेंट मेंटल। इतने बनावटी लोग हैं आप, कैसे आप इतना रियल हैं, इतने बिंदास? मैं रियल थी, आप मेरी जर्नी देखिए, क्योंकि मेरा एपिसोड आप जनता, देश की जनता देखिए। बहुत मुश्किल होता है देश की जनता अपने आप को ग्राउंड में नीचे रखकर, सारी सारा सब लड़कियां तैयार होती थी, बाल बनाती थी, मेकअप करती थी, लेकिन मैंने हमेशा क्लोन बनी, भूत बनी अंदर, या मैंजोलिका बनी, अलग अलग टाइप का, बगैर किसी के खौफ से सबकी बैंड बजाई। मैंने किसी से डरी नहीं, मेरा एंटरटेनमेंट देखिए। लेकिन बिग बॉस ने रातों रात मुझे निष्कासित कर दिया बिग बॉस से। मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया बिग बॉस, मेरा ऐसा क्या कसूर था जो आप मुझे फिनाले में नहीं लेकर गए। बिग बॉस मैं लास्ट 3-2 में नहीं रही, सलमान जी ने मेरा हाथ ऊंचा नहीं किया। इसका मतलब ये कि बिग बॉस अगर आप हर साल मुझे बुलाएंगे तो आप सिर्फ मुझे टिश्यू की तरह इस्तेमाल करेंगे। मैं टिश्यू पेपर नहीं हूँ बिग बॉस, मैं जीती जागती इंसान हूँ। आप मतलब मेरा एंटरटेन के लिए, जब तक संतरा है संतरे में जूस है, आप जूस निचोड़ लेंगे, आप जूस को निचोड़ लेंगे और फिर छिलका फेंक देंगे। मैं कोई संतरा या मैं नींबू या कोई टिश्यू पेपर नहीं हूँ बिग बॉस, जो मैं आप मुझसे एंटरटेनमेंट लेंगे। लेकिन जब फिनाले का समय आएगा तो आप दूसरों को ले जाएंगे फिनाले में। बिग बॉस आई लव यू सो मच, यू नो दैट, यू नो दैट बिग बॉस आई लव यू। मैं ट्रॉफी की हकदार थी, मैं डिजर्व करती थी बिग बॉस। चलो आपने मेरे पति को 3 हफ्ते में निकाल दिया, डजंट मैटर, अब जनता को वो नहीं पसंद आया, लेकिन जनता की पहली पसंद और आखिरी पसंद मैं ही थी बिग बॉस। अगर चिपकना, प्यार करना, चुम्मी चाटियां करना, गालियां देना, अगर यही एंटरटेनमेंट है तो फिर आई एम नॉट अ एंटरटेनर। दे मैंने बिग बॉस, जब से कनाडा से मेरा हस्बैंड इंडिया में आया तो सबसे पहले मैं बिग बॉस में लेकर आई दिखाने के लिए कि बिग बॉस मैं झूठी नहीं हूँ, बिग बॉस आप जानते हैं कि मैं सच्ची लड़की हूँ, बिग बॉस आप जानते हैं कि मैं एंटरटेनर हूँ। बिग बॉस आपने मुझे क्यों निकाल दिया बिग बॉस, किसके कहने में आकर निकाल दिया बिग बॉस? थैंक यू, आई एम वेरी सैड बिग बॉस। मैं जा रही हूँ संन्यास लेने, मैं जा रही हूँ बिग बॉस संन्यास लेने। हाँ, आपको आपका बिग बॉस मुबारक हो, आपके आपको कंटेस्टेंट मुबारक हो। मैं जा रही हूँ बिग बॉस, अब आप कभी भी मुझे बुलाओगे बिग बॉस। तो संन्यास लेने क्या साधु बनने जा रही हैं? हाँ, मैं साधु बनने जा रही हूँ, मैं संन्यास लेने जा रही हूँ।